लेट्स लुक एट इन्वेंट्री मेकनिजम्स इसके अंदर दे आर थ्री डिफरेंट उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक तो है रिकॉर्ड एक्यूरेसी इन्वेंट्री के रिकॉर्ड की एकूरेसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ठीक है इसके अंदर अगर रिकॉर्ड एक्यूरेट नहीं होगा तो प्लानिंग में वी विल मेक लॉट ऑफ मिस्टेक Uh, हम सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और उसका प्लान कर देंगे प्रोडक्शन का जबकि देखेंगे तो वो मटेरियल वगैरह इसका अवेलेबल नहीं है तो इट इज़ क्रिटिकल इंग्रेडिएंट इन प्रोडक्शन एंड वेट्री सिस्टम तो इसके लिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करें और इसके अंदर अगर आपका रिकॉर्ड एक्यूरेट है तो फिर ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर इनएकोरेट है तो उस वक्त यही होता रहता है कि इसको अपडेट uh, करो इसको ठीक करो uh, अगर ऑर्गेनाइजेशन uh, को मैनेजमेंट को पता है कि ये एक्यूरेट रिकॉर्ड uh, आ रहा है इनके पास हम मेंटेन कर रहे हैं तो फिर वो फोकस उनका uh, दूसरी चीज़ों पे आ जाता है एंड नॉट ट्राइंग टू करेक्ट बैड रिकॉर्ड फिर डिसीजन प्रिसाइज करने के लिए ऑर्डरिंग कब होनी चाहिए शेड्यूलिंग क्या होना चाहिए प्रोडक्शन की शिपिंग कब होनी चाहिए और उसकी एक्यूरेटली वो कर सकते हैं अगर एक्यूरेट रिकॉर्ड अगर एक्यूरेट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी प्लानिंग इस किस्म का फॉर एग्जांपल मटेरियल आपके पास बेताशा पड़ा हुआ है और आप शेड्यूल कर रहे हैं कि जी आपके रिकॉर्ड में शो हो रहा है कि मटेरियल नहीं है तो जी उसकी प्रोडक्शन शेड्यूल करें फिर पता चले कि नहीं वो तो बहुत ज़्यादा है तो आप कुछ और शेड्यूल करो तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है इसी तरह ऑर्डर प्लेस करना है मटीरियल पड़ा हुआ है आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया क्यों क्योंकि आपके रिकॉर्ड के अंदर शो हो रहा है कि नहीं है जब आपने स्टोर के अंदर देखा तो वो ऑर्डर पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इन पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है अगर आपका रिकॉर्ड जो है इन्वेंट्री रिकॉर्ड वो ठीक तरह मेंटेन ना हो Uh, जो इसका जो इम्पोर्टेंट uh, चीज़ है वो ये है कि जो इनकमिंग और आउटगोइंग मटेरियल है उसको एक्यूरेटली आप नोट डाउन कर क्या माल आया और क्या माल निकला है फॉर एग्जांपल रिटेल स्टोर है क्या यून कितने यूनिट्स आए और कितने यूनिट्स ऑलरेडी हम बेच चुके हैं तो इन्वेंट्री को हैंडल करना बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है अब तो कंप्यूटर अवेलेबल uh, है तो कंप्यूटराइज उसके अंदर आसानी से ज़्यादा इजीली हो सकता है लेकिन उसके लिए यह है कि कंप्यूटर के अंदर एंट्री करते हुए कहीं मिस्टेक ना होता यह है कि जो ऑपरेटर है वो जब एंटर कर रहा होता है तो वो तीन दो सिफर लगाने के बजाय तीन सिफर लगा देता तो हंड्रेड यूनिट्स की जगह वो थाउजेंड यूनिट्स पर कन्वर्ट हो जाता तो देट इज़ वॉट वी शुड अवॉयड इन आर रिकॉर्ड और टॉक रूम्स जो हैं वो बहुत ठीक तरीके से सिक्योर होने चाहिए न तो पिल फ्रिज हो जाती है उसमें से चोरी हो जाती है चीज़ें निकाल के लोग ले जाते हैं आपके इवन आपके अपने एम्प्लॉयज़ ये कर रहे होते हैं तो उसका हमें ख्याल होना चाहिए क्योंकि उस वो भी आपके रिकॉर्ड के ऊपर इम्पेक्ट करेगा आपको पता नहीं होगा कि ये इसमें से चोरी हो गया है और आपके रिकॉर्ड में शो हो रहा होगा और एक्चुअली अवेलेबल नहीं होगा तो फिर वही प्रॉब्लम होगा कि जी रिकॉर्ड के अंदर इश्यूज आ गए सेकेंड इज साइकिल काउंटिंग साइकिल काउंटिंग इज बेसिकली अ टाइप ऑफ ऑडिटिंग इन्वेंट्री के ऑडिट रेगुलरली होने चाहिए साइकिल काउंटिंग रेगुलरली होनी चाहिए सो so दैट आपको साल के बाद अपडेट ना करना पड़े ठीक है ना कि जी साल में एक दफा किया तो जब उस वक्त किया तो पता चला कि जी ये तो पाँच हजार यूनिट का फर्क पड़ गया तो रेगुलरली होगा तो उसके अंदर पीरियोडिकली हम अपडेट करते रहेंगे तो हमारा का, जो रिकॉर्ड है वो एक्यूरेट रहेगा और फिर दूसरा उसका फ़ायदा ये भी होगा कि आपको नजर आएगा कि ये क्या वजह है कि ये डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो उसको आप टैकल कर लोगे अगर लड़ से वंस ए मंथ आप कर रहे हो ठीक है ना आ, यूजली वी यूज़ ए बी सी एनालिसिस और उसके बेसिस पर हम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ए कैटेगरी जो है क्लासीफाई उसको हम कहते हैं कि एवरी मंथ हम उसको एवेल करेंगे सैकल uh, काउंटिंग करेंगे तो हर महीने उसका वो देखा जाता है कि कितने यूनिट्स पड़े हैं कितने कंज्यूम हो गए हैं तो अब इन्वेंट्री लेवल क्योंकि ए जो है वो बहुत क्रिटिकल हमारा प्रोडक्ट है बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट उसका टाइट कंट्रोल होना चाहिए बी को प्रॉब्ली हम कहेंगे कि क्वार्टरली करें हर तीन महीने हम इसको करते हैं सी का हम हो सकता है कहेंगे जी छह महीने के बाद उसको चेक करेंगे कि ये इसके अंदर आ, क्या कितना वो है क्या कहते हैं इन्वेंट्री लेवल किया अब इसके अंदर आ, फायदा इसका क्या है शटडाउन और आ, बेसिकली इंटरप्शन मिनिमाइज हो जाते हैं कि जी मटेरियल नहीं है तो आपको शट डाउन करना पड़ा क्यों मटेरियल नहीं है क्योंकि जी रिकॉर्ड एक्यूरेट नहीं था तो वो साइकिल काउंटिंग आप फ्रीक्वेंटली करेंगे तो वो जो है क्या कहते हैं शट डाउनस और इंटरप्शन एलिमिनेट होगी एनुअल एडजस्टमेंट जो हमने इन्वेंट्री में करनी है वो एनुअल करने के बाद पीरियडिक आप एवरी मंथ कर रहे होगे तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि लार्ज एडजस्टमेंट्स नहीं करनी पड़ेंगी ट्रेन uh, पर्सनल यूज़ होने चाहिए फॉर एक्यूरेटली ऑडिट करें इन्वेंट्री को ट्रेन अनट्रेंड नहीं होने चाहिए क्योंकि वो भी प्रॉब्लम uh, क्रिएट करेंगे आपके रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर uh, जैसे मैंने पहले बताया कि एरर किस वजह से हुआ वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप साइकिल काउंटिंग फ्रीक्वेंटली करें और उसके अंदर आपको पता चले कि ये इस महीने ये प्रॉब्लम आई है रिकॉर्ड के अंदर इशू आया है तो वो उसी वक्त आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस महीने ये आया है तो क्या उसका रीज़न क्या हो सकता है uh, और एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा सर्विस uh, इंडस्ट्री के अंदर भी इन्वेंटरीज जैसे मैंने बताया था कि सर्विस की इन्वेंट्री नहीं है लेकिन सर्विस में जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट uh, हो फूड आइटम्स हैं दूसरी चीज़ें हैं किचन के आइटम्स हैं तो वो आ, उसके इन्वेंट्री हमने रखी होती है तो इट इज़ ऑल्सो क्रिटिकल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि सर्विस के अंदर टाइम ज़्यादा नहीं है और दूसरी जगह तो आपने इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बिल्डअप की हुई है ना यहाँ इतना नहीं होता लॉसेस में कम फ्रॉम श्रिंकेज एंड पिल श्रिंकिंग एंड पिल फ्रिज पिल इज बेसिकली चोरी कर लेना श्रिंकिंग भी चोरी की वजह से भी हो जाता है और डैमेज की वजह से भी है तो श्रिंकिंग को हम दोनों उसमें यूज़ करते हैं पिल फ्रिज को हम यूजली चोरी के उसमें यूज़ करते हैं तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं डैमेज की वजह से नुकसान हो गया ठीक है ना और आ, आ, इन, इन्वेंट्री जो है हमारी वो डिप्लीट कर गई या चोरी करके ले ले गए उससे भी हमारा लॉस है तो ये हमारे प्रॉफिटेबिलिटी uh, को इम्पैक्ट करेगा टेक्निक्स uh, क्या हम यूज़ कर सकते हैं इसको ज़्यादा बेहतर कंट्रोल में लाने के लिए uh, एक है कि पर्सनल सिलेक्शन हमारी अच्छी होनी चाहिए ट्रेनिंग देना चाहिए उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए कि जैसे एक गार्ड के अंदर होता है इसी तरह की ये चीज़ है uh, इनकमिंग मटेरियल जो आ रहा है इनकमिंग शिपमेंट जो आ रही है उसको टाइटली आप कंट्रोल करें ये हमने दे देखा है कि जी घर बन रहे हैं तो वो सीमेंट की बोरियाँ आ रही हैं लेकिन उसमें से सौ बोरी आई और दस बोरियाँ निकल गई वो चीज़ जो है वो प्रॉब्लम करती है क्योंकि कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा टूटअप कर जाएगी जो फैसिलिटी लीव कर रही है गुड्स उसके ऊपर टाइट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है तो ये चीज़ें हैं कुछ जो कि हम अगर उसको आ, इनको इस्तेमाल करें ठीक तरीके से तो इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं